Hey guys, welcome back again my YouTube channel Afzal Gymnast. आज मैं आपको बताऊंगा 20 stretching किस तरीके से करनी है. एक एक एक्सरसाइज मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा इसमें. और स्ट्रेचिंग लोग ज़्यादातर मिस कर देते हैं, जिम करते हैं, रनिंग करते हैं, लेकिन स्ट्रेचिंग को मिस कर देते हैं. स्ट्रेच से हमारी मसल फ्लेक्सिबल और जॉइंट्स फ्री रहते हैं. ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो कैसे करनी है एक एक स्ट्रेचिंग मैं आपको बताऊँगा. चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो. आपको करना है वज्रासन. वज्रासन में अपनी हील को थोड़ा सा ओपन रखें और बैक को स्ट्रेट रखें और मिनिमम 30 सेकंड्स होल्ड करें. सेकंड इज चाइल्ड पोज. अपनी वेस्ट को डाउन रखना है आपने और फोरहेड को ग्राउंड पे टच करें. होल्ड, लॉन्ग ब्रीथ. थर्ड इज माउंटेन करना है आपको. पर्वतासन कहते हैं इसे. अपनी हील को थोड़ा ओपन रखना है और हील को ग्राउंड पे टच करना है आपको. नी स्ट्रेट, हेड इन, शोल्डर स्ट्रेच, होल्ड. फोर्थ करना है आपको सुमो स्ट्रेच. सुमो स्ट्रेच में अपने टोज को आउटसाइड रखें, लेग्स को थोड़ा ओपन रखें और एंकल को पकड़ना है यहाँ से और अपनी एल्बो से नी को पुश करना है पीछे की तरफ. बैक को स्ट्रेट करने की कोशिश करें, होल्ड करें. फिफ्थ इज आपको करना है यहाँ से फ्रॉग स्ट्रेच. एक लाइन में रखें लेग्स को, एल्बो को लगाएं ग्राउंड पर और स्ट्रेच करें. स्टार्टिंग में आपसे हो सकता है इतना हो पाएगा, फिर धीरे धीरे रेंज बढ़ाएं इसमें. इसके बाद करनी है आपको स्प्लिट, फुल स्प्लिट. कोशिश करें इतना करें. जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपकी मसल धीरे धीरे लूज होती जाएंगी और आपकी स्ट्रेचिंग धीरे धीरे इंप्रूव होती जाएगी. नेक्स्ट इज आपको करना है यहाँ से लंज स्ट्रेच. अपने नी को ग्राउंड पे टच रखना है आपको, रिलैक्स रखना है अपनी मसल्स को और यहाँ से बैक स्ट्रेट करने की कोशिश करें. बैक स्ट्रेट और हिप को डाउन ले जाएं नीचे की तरफ. बैक स्ट्रेट, होल्ड. साइड चेन सेम. अब आपको करनी है साइड स्प्लिट. साइड स्प्लिट स्टार्टिंग में बहुत ही कम हो पाएगा आपसे, धीरे धीरे इसमें रेंज बढ़ानी है आपको. साइड चेन, फॉरवर्ड बैंड करना है आपको. धीरे धीरे होल्ड करें, आगे जाएं. इसमें टो जितना अपोजिट होगा उतनी ज्यादा आपकी काफ मसल स्ट्रेच होगी, ज्यादा स्ट्रेच आएगा. ये मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है. अब आपको इसमें लेग्स को ओपन करके करना है. अपनी लेग्स को इतना ओपन करना है आपको कि ये लेग इस लेग के ऊपर 90 डिग्री पे हो. पहले लेफ्ट लेग पे होल्ड करना है, दोनों हाथ से अपने टोज को पकड़ने की कोशिश करनी है. जो नहीं पकड़ सकता वो यहाँ से पकड़ें धीरे धीरे और अपने हेड को थोड़ा नीचे रखें, फिर रेंज बढ़ाएं. दूसरी तरफ अपने टो को पकड़ें, हेड नीचे, लेग को थोड़ा ओपन और करें और फिर यहाँ से आप सेंटर में आपको होल्ड करना है. अब अपने लेफ्ट लेग को बैंड करें और राइट साइड डाउन करें, इससे आपकी साइड लोअर बैक स्ट्रेच होएगी. लेफ्ट लेग स्ट्रेट, राइट लेग बैंड. अपने लेग्स को ज्वाइन करें और यहाँ से अब धीरे धीरे पीछे जाएं. जिस रेंज पे आप कर सकते हैं पेन नहीं करना है, इजीली आपको होल्ड करना है जितना आप कर सकते हैं. 30 सेकंड्स होल्ड करें. अब आपको बैठना है क्रॉस लेग. क्रॉस लेग बैठ के अपने नीज को पास में लाने की कोशिश करें, शिन बोन को पुल करें थोड़ा और डाउन, होल्ड.
राइट लेग बैंड। इसमें आपका ग्लूट्स स्ट्रेच हो गया यहाँ से। अब करना है हमें हलासन, ये हमारी अपर बैक और नेक को स्ट्रेच करेगा, लेकिन जिसको नेक में पेन हो वो इस एक्सरसाइज को बिल्कुल ना करें। हैंड्स को यहाँ पे रखना है और लेग्स को धीरे धीरे पीछे लेके जाना है और यहाँ होल्ड करें। इनसाइड रिस्ट की स्ट्रेचिंग की कमी की वजह से हमारे एल्बो में भी पेन हो जाता है, ये स्ट्रेचिंग हमें करनी चाहिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, होल्ड ऐसे भी कर सकते हैं। अपने एल्बो को स्ट्रेट रखना है आपने, भुजंग आसन करना है आपको। लेट जाना है स्ट्रेट, लेग्स को ज्वाइन रखें और धीरे धीरे अपनी बैक को स्ट्रेट करें, आर्च बनाए अपनी बैक में धीरे धीरे। जो अपनी एल्बो को फुल स्ट्रेट कर सकते हैं वो करिए, जो नहीं कर सकते हैं इजीली करना आप। ये आपके लोअर बैक के लिए भी अच्छा रहेगा, स्ट्रेंथनिंग के लिए। योगा में इसे चक्रासन कहते हैं और जिम्नास्टिक में ब्रिज कहते हैं, तो ब्रिज करना है आपको। लेग्स को ज्वाइंट रखें